नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अरनम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। पलवल से बड़ी खबर है, सीएम के जनसंवाद कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है। माता सती सरोवर से आज जनसंवाद की शुरुआत करेंगे सीएम। सीएम मनोहर लाल सुबह 10 बजे जनसंवाद करेंगे। सीएम लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। गाँव हसनपुर में बस स्टैंड का उद्घाटन भी सीएम करने वाले हैं। तो लगातार जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए सीएम जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को तसल्ली से सुन रहे हैं और समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। और हमेशा सीएम की यही कोशिश रहती है कि जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए तुरंत ही तमाम समस्याओं का निपटारा किया जाए। तमाम विभागों के अधिकारी भी इस दरमियान मौजूद रहते हैं। तो ये बड़ी खबर पलवल से। और माता सती सरोवर से आज जनसंवाद की शुरुआत होने जा रही है और दूर दराज से अपनी समस्याओं को लेकर सीएम के सामने जनता पहुंच रहे हैं। और सीएम के जनसंवाद कार्यक्रम का आज तीसरा दिन है। माता सती सरोवर से इसकी शुरुआत होगी, जहां पर सीएम मनोहर लाल लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। और सीएम मनोहर लाल सुबह 10 बजे जनसंवाद करेंगे, जहां दूर दराज से आए लोगों की शिकायतों को तसल्ली से सुनेंगे। और इसके साथ ही जो है मौके पर ही निपटारे की भी पूरी कोशिश रहती है सीएम की। हालांकि अधिकारी भी इस दरमियान मौजूद रहने वाले हैं। और गांव हसनपुर में आज जनसंवाद होगा और आपको बता दें कि बस अड्डे का भी उद्घाटन करेंगे सीएम और जनता को बस अड्डा समर्पित किया जाएगा। तो सीएम के जनसंवाद का तीसरा दिन माता सती सरोवर से आज इसकी शुरुआत होने जा रही है। और लगातार जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए सीएम जनता के बीच जा रहे हैं और उनकी समस्याओं को तसल्ली से सुन रहे हैं और समाधान के लिए अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और अब तक राज्य सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका फीडबैक भी खुद सीएम जमीनी स्तर पर जाकर ले रहे हैं। और इसी कड़ी में ये जनसंवाद अपने आप में बेहद खास आज तीसरा दिन है। और आपको बता दें कि आज तीसरे दिन भी सीएम मनोहर लाल जनसंवाद के जरिए लोगों की शिकायतों को सुनेंगे। माता सती सरोवर से आज इसकी शुरुआत होगी। सुबह 10 बजे इसकी शुरुआत होने जा रही है, जहां दूर दराज से लोग अपनी शिकायतों को लेकर सीएम के सामने पहुंचेंगे।